नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और अब से एक घंटे बाद ही उपचुनाव में प्रचार का शोर थम जाएगा। 11 मार्च को एक लोकसभा और दो विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिनमें अररिया लोकसभा, जहानाबाद, भभुआ विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर 14 मार्च को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। तो प्रचार का शोर आज थम जाएगा, शाम 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। तो आखिरी एक घंटे अब बचे हैं सभी पार्टियों के पास चुनाव प्रचार के लिए। बिहार में एक लोकसभा और दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 11 मार्च को इन तीन सीटों पर मतदान होगा। मतदान के दौरान कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी तरह की तैयारियां भी कर ली हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय एसके सिंघल के मुताबिक इन तीनों जगहों पर अर्धसैनिक बल की 45 और बीएमपी की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा होमगार्ड के 3800 जवानों की ड्यूटी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने को लेकर लगाई गई है। सुरक्षा की तैयारियों पर एडीजी मुख्यालय एसके सिंघल से बात की जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने। चुनाव को लेकर के बिहार पुलिस ने पूरे तौर पे तैयारी कर ली है। हमारे साथ एडीजी मुख्यालय मौजूद हैं, इसके सिंगल साहब बात करते हैं। सर, उपचुनाव को देखते हुए क्या कुछ तैयारी की गई है? सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी? उपचुनाव को देखते हुए सबसे पहले तो जो गृह मंत्रालय के द्वारा हमें CAPF एलोकेट हुआ था, कुल 45 कंपनीज थी और 9 कंपनी बीएमपी की थी, तो इस तरह से 54 कंपनी बनती हैं। ये हमने तीनों जिलों के अंदर जो है वो रिपोर्ट करवा दी हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे बिहार के अंदर से जो हमारी DAP की बल है और जो हमारा होमगार्ड्स का जो बल है उसको भी मोबिलाइज किया गया है। ये सारे की सारी फोर्सेस जो हैं वो संबंधित तीनों जिलों में पहुंच चुकी हैं और जो है उसके अब जो है वो जितना जल्दी हो सकेगा वो पेट्रोलिंग कम कलेक्टिंग पार्टीज़ का फॉर्मेशन करते हैं वो, और जो बूथ और बिल्डिंग्स पे जो डिप्लॉयमेंट है वो है अब शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग चुनाव के दौरान अशांति फैलाना चाहेंगे, किसी तरह की गड़बड़ी करना चाहेंगे, धांधली करना चाहेंगे, उन पर भी पैनी नज़र रखेगी, CCTV कैमरे का इस्तेमाल भी किया जाएगा, और ऐसे तत्वों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ऐसे तत्वों पर 107 की कार्रवाई ऑलरेडी की जा चुकी है, शस्त्रों का जो सत्यापन है वह भी किया जा चुका है, और बहुत बड़ी संख्या में जो संभावित इस तरह के लोग हैं उनके उनसे बॉन्ड भरवाया गया है 116(3) में। तो वो जब बॉन्ड एक बार भरवा लिया जाता है तो वो लोग भी सचेत रहते हैं और फिर विधि व्यवस्था के संधारण में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने का ये दावा जो है वो एडीजी मुख्यालय ने किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी तत्व, चाहे वो आम जन हो या अपराधी हो या नक्सली हो, अगर चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। कैमरा पर्सन अमनेश के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। सासाराम के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दावा किया कि उपचुनाव में तीनों सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करेंगे। मतदाता एनडीए के पक्ष में गोलबंद हैं और मतदाताओं को लगता है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देकर क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पर जनता के बढ़ते विश्वास का लाभ भी एनडीए को मिलेगा। और मतदाता भी ये बात को देख रहा है कि अगर RJD कांग्रेस के लोग जीत कर भी जाते हैं ना तो उनकी सरकार बिहार में ना केंद्र में सरकार है तो क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर गठबंधन का व्यक्ति जीतता है यानी NDA का, तो केंद्र में भी राज्य में भी इसकी सरकार है तो वो ज़्यादा विकास का काम कर पाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा विरोधियों के साथ साथ अब सहयोगियों के भी निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने तो यहां तक कह दिया कि शिक्षा मंत्री को कुछ आता ही नहीं। हालांकि बीजेपी कोटे से मंत्री विनोद नारायण झा ने कैबिनेट सहयोगी कृष्णनंदन वर्मा का बचाव किया है। शिक्षा मंत्री पर सवाल, बीजेपी MLC ने उठाए सवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं आता, उनके कारण राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। ये आरोप हैं बीजेपी MLC नवल किशोर यादव के,
नवल किशोर यादव तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अपने विभाग के बारे में कुछ भी बता दें तो वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। इस मंत्री को तो यही पता नहीं है कि किस कितने तरह के उनके राज्य में शिक्षा संचालित है। जिस दिन बता देंगे जो आप कहेंगे वो पनिशमेंट में भोगने के लिए तैयार हूँ। शिक्षा मंत्री के खिलाफ गुस्सा क्यों? अगर कुछ नहीं आता तो कैबिनेट में क्यों? जेडीयू के मंत्री पर बीजेपी का प्रेशर क्यों? शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा जेडीयू कोटे से मंत्री हैं। चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण वो सदन में नहीं थे। उनकी जगह प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, जिस पर आरजेडी ने भी सवाल उठाए थे। चौपट सीट पर बिहार के शिक्षक लोग न बहाल हो रहा, न कुछ, न तनख्वाह मिला। जो भी जो पढ़ा रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिला। तो जब से दारू वाला आप लोग दिखाए टीवी पर, इस टाइम पर चला हूँ, तब से गायबे है। जेडीयू बीजेपी के रिश्तों में बढ़ेगी खटास। कैबिनेट से हटेंगे कृष्ण नंदन वर्मा। कृष्ण नंदन वर्मा की जगह कोई और होगा मंत्री। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है, जो हाल के दिनों में कई कारणों से विवाद में रहा है। पर कृष्ण नंदन वर्मा के कैबिनेट सहयोगी और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा ने उनका बचाव किया। लेकिन प्रभारी मंत्रियों ने भी पूरी तैयारी से दी है, लोगों को संतुष्ट किया है। लेकिन यदि कुछ समस्याएं दिखाई भी देती है तो आज प्रचार खत्म हो गया है। सोमवार से अपने अपने विभाग के मंत्री जवाब देना प्रारंभ कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री पर उन्हीं की पार्टी के एमएलसी का सवालिया आरोप ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा पकड़ा दिया है, जो आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किल बढ़ा सकता है। आशुतोष चंद्रा के साथ अमित, जी मीडिया, पटना। विधानसभा में कई विभागों के मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष के तेवर तल्ख नजर आए। पूर्व वित्त मंत्री और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। इसे लेकर विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया। इस दौरान आरजेडी नेता से बात की जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ने। मंत्रियों के सदन में अनुपस्थिति के मुद्दे पर विपक्ष ने वॉकआउट किया है। उसका कहना है कि ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास जो विपक्ष के नेता हैं और पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा है और क्यों वॉकआउट आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हमने अपने संसदीय जीवन में इतना हौच पौच और इतना हल्के ढंग से सदन को लेते हुए नहीं देखा। जब जिस विभाग का मेन डिमांड है शिक्षा विभाग और अन्य विभाग जो है गिलोटीन में है, तो उन विभागों के मंत्रियों का अनुपस्थित रहना मतलब एक तरह से मजाक और संसदीय परंपरा का खिल्ली उड़ाना है। यह मैंने सवाल किया कि जब शिक्षा विभाग के मंत्री नहीं हैं और गिलोटीन के भी जो मंत्री हैं प्रभारी वो मंत्री हैं नहीं, तो सदन में माननीय सदस्य सुनाएं तो किसको सुनाएं? संसदीय कार्य मंत्री जी तो वो कह रहे थे आप जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। नहीं, ऐसा है कि मैंने तो अपने जीवन काल में इस सदन में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। मगर वो मंत्री में के लिए महत्वपूर्ण है चुनाव के बहुत जगह वो प्रभारी बने हुए हैं और मैनेज करने में लगे हुए हैं। अच्छा, तो इस पे आप लोगों का अभी आप वॉकआउट, इसके आगे क्या स्टैंड होगा? नहीं, हम लोगों ने जब सरकार गंभीर नहीं है और जब सरकार हल्के फुल्के ढंग से इन चीजों को ले रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी बात सुनाने का कोई मतलब नहीं। तो इन मंत्रियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई, क्या कोई कार्रवाई की मांग आप लोग करना चाहते हैं? कार्रवाई तो माननीय मुख्यमंत्री समझे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि सुशासन है, तो सुशासन में वो कितने गंभीर हैं, उनके मंत्री कितने गंभीर हैं, इन चीजों को वो उनको देखना चाहिए। तो ये थे जो पूर्व वित्त मंत्री, उनका ये कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है और ऐसी स्थिति उन्होंने पहली बार देखी है बिहार विधानसभा में। कैमरामैन सिंधु के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार की खबरें आगे भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त मुंबई से कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में किसान जो है वो सड़क पर उतर आए हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं।
किसानों का प्रदर्शन चल रहा है महाराष्ट्र की राजधानी में मुंबई में, सड़कों पर आ गए हैं हजारों की तादाद में यहां किसान। अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर किसान जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। और किसानों की जो संख्या है, किसानों की जो तादाद है, वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर नाराजगी और किस कदर इनकी समस्याएं जो हैं वो बड़ी होती जा रही हैं, जिसको लेकर ये अब आंदोलन के मूड में है। मुंबई से ये लाइव तस्वीरें, हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर उतर आए। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं बिहार की खबरों का। विपक्ष के वॉकआउट को सरकार ने बहाना करार दिया है। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पहले भी मंत्रियों की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलती रही है। मंत्री ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के सदन से अनुपस्थित रहने पर भी सवाल उठाए। मंत्री विजय सिन्हा से बात की मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। मंत्रियों की अनुपस्थिति के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार क्या कह रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या सदन से वॉकआउट हुआ विपक्ष का? नहीं, इनको तो बहाना चाहिए, हर दिन ये वॉकआउट करते हैं कोई कोई मुद्दा उठा के। सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है और सरकार के मंत्री बैठे हुए हैं। अभी आपके सामने विज्ञान प्रावधिकी मंत्री जी भी आए, समाज कल्याण मंत्री जी भी हैं, और पहले भी ऐसा हुआ कि किसी कारण से कोई मंत्री नहीं है तो सामूहिक जिम्मेवारी के तहत कोई भी मंत्री उनके विषय को रख सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार है। नहीं, विपक्ष के नेता जो हैं, जो सिद्दीकी हैं, वो सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं कि ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस तरह से हाउस में हो रहा है। देखिए, अब वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो भी जब मंत्री थे तो कई बार इस तरह के दृश्य उपस्थित हुए हैं। और आपके पास पहले का भी रिकॉर्ड है, देखे कि कई मंत्री गायब रहे हैं, सारे मंत्री। कह रहे हैं कि मंत्री चुनाव में लगे हुए हैं और उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, सदन महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए, विपक्ष है, कुछ तो बोलना है उनको। वो भागे हैं, इसी के कारण बहिष्कार करके भागे हैं कि उनको भी उधर जाना है। अच्छा, उनको भी चुनाव में जाना है, लेकिन उनका यह कहना है कि सरकार की विशेष जिम्मेदारी। लेकिन चुनाव में मंत्री लगे हुए हैं, ये एक पार्टी के भी अंग होते हैं, और कोई चुनाव में लगे हुए इनके पास प्रामाणिकता कहां से उपस्थित हो गई? अपने लिए मीठा, अगले के लिए थू, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये चरित्र उचित नहीं। अच्छा, तो ये मंत्री कहना है कि जो ये चरित्र उचित नहीं विपक्ष का, उसको केवल बहाना चाहिए और वो बहाना बनाकर जो सदन से वॉकआउट करता और लगातार वॉकआउट करता रहा। ऐसी स्थितियां पहले भी रही कि मंत्री लोग अनुपस्थित रहे, तो प्रभारी मंत्री उनका जवाब दिया है। कैमरामैन सिंधु के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पूर्वोत्तर में हार के बाद लगातार राजनीतिक बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं। अब खबर यह है कि तेजस्वी यादव को सोनिया गांधी ने 13 मार्च को आयोजित डिनर पार्टी के लिए निमंत्रण भेजा है। इस डिनर की अगुवाई खुद सोनिया गांधी करेंगी। बिहार की राजनीति में इस डिनर मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। महागठबंधन से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद अब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस नेताओं पर दबाव बढ़ गया है, और सूत्रों की माने तो कुछ ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो आरजेडी से बिहार में गठबंधन तोड़ने के लिए आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं, इसलिए इस मीटिंग को उस नजरिए से भी खास माना जा रहा है। डिनर भले ही 13 मार्च को हो, लेकिन बिहार में अभी से ही इसकी शुरुआत, सियासत शुरू हो चुकी है। नेताओं ने प्रतिक्रिया जो दी है वो सुनिए। तेजस्वी यादव के नहीं, पूरे जो ऑल इंडिया जो पार्टी है, छोटा छोटा पार्टी, बड़ा पार्टी, गैर भाजपा, तो सब सोनिया गांधी ने न्योता दिया, सब लोग बुलाएगा, उस पर बैठ कर बात विचार लोग करेगा। 2019 में क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए मैंने तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, महागठबंधन हम लोगों का है, सोनिया गांधी जी शीर्ष नेता महागठबंधन की हैं, वह जो है सभी संगठन के जितने भी पार्टी हैं सबको जो है नेता दिए, उसमें जो है हमारे युवा तुर्क नौजवान जो कल के भविष्य हैं तेजस्वी यादव, इनको भी नेता देने का काम किया है। इसके लिए जो है हम सोनिया गांधी जी को लाख लाख बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव आज के दिन आरजेडी के नेता हैं, हमारे विधायक दल के नेता हैं, माने आरजेडी के, और हम गठबंधन में साथ हैं, तो गठबंधन में साथ नेता को
अपने घर पर बुलाना कोई अनुचित तो है नहीं। वैसे ही है, डिनर पार्टी है तो ठीक है, डिनर पार्टी करें, लोग तो खाने पे खाते ही हैं, पूरे बिहार को खाए हैं, इसलिए जो है डिनर पार्टी से क्या है, डिनर पार्टी से कोई मतदाता थोड़ी ना, इधर से उधर मतदाता तो मन बनाया हुआ है नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास, इसी पर मतदाता जो मन बनाया हुआ है और वोट देगा। आरा में बिहार झारखंड की खबर का असर हुआ है। आरा मंडल कारा में छापेमारी चल रही है, जेल सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। जेल में मोबाइल से बात करने की खबर दिखाए जाने के बाद जेल प्रबंधन छापेमारी कर रहा है। तो आरा की मंडल जेल जो है वहां पर जेल सुपरिटेंडेंट खुद पहुंचे हैं, नेतृत्व में उनके छापेमारी चल रही है और सघन तलाशी ली जा रही है जेल के हर एक बैरक में। दरअसल यहां की तस्वीर वायरल हुई थी और तस्वीर आई थी कि जेल के भीतर कैदी जो है वो खुलेआम मोबाइल फोन पर बात करते हैं। यह खबर जी बिहार झारखंड ने प्रमुखता से दिखाई थी और अब इस खबर का असर हुआ है। अधिकारियों ने कार्रवाई की है, जेल में छापा मारा गया है और इस वक्त तलाशी चल रही है जेल के भीतर हर एक बैरक की, हर एक कैदी की तलाशी ली जा रही है कि उसके पास मोबाइल फोन है या नहीं और अगर है तो ये मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा, इसकी पूरी छानबीन की जाएगी। जेल मैनुअल के उल्लंघन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। जहां विपक्ष ने विभाग नहीं संभालने का आरोप लगाया है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया है। माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभारी हैं जेल विभाग के, यह दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी के अंडर में विभाग रहते हुए जेलों में जो है धज्जियां उड़ाई जा रही है, गांजा पिया जा रहा है, मोबाइल चैटिंग किया जा रहा है, यह दुर्भाग्य है। ऐसे में जो है कैसे बिहार चलेगा, यानी इनके हाथों में एक विभाग जब कमांड नहीं हो रहा है तो बिहार इनके हाथों में कैसे कमांडिंग होगा और चलेगा। अब ऐसा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी काम नियम और कानून से होता है और उसमें नीतीश सरकार के रहते कोई किसी तरह नियम और कानून के विरुद्ध नहीं जा सकता, जो जाएगा वो कानून के हवाले होगा। इस सरकार में किसी को कोई बकसने की बात नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी, और आप लोगों ने उदाहरण देखा है बड़े बड़े लोग जेल गए हैं, इसीलिए अगर ऐसा मामला आपने संज्ञान में लाया है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई की जाएगी। आरा जेल में खुलेआम खेल पर एडीजी ने कहा है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी भोजपुर इस जो वीडियो है इसका सत्यापन कर रहे हैं और उसके बाद जो है इमीडिएटली बहुत मजबूत कानूनी कार्रवाई इस तरह के मामलों में की जाती है, इसमें भी की जाएगी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब ना तो पी जा सकती है, ना ही खरीदी या फिर बेची जा सकती है। ऐसे में अगर पुलिसकर्मी ही खुलेआम शराब का मजा लेने लगे तो फिर कानून की रखवाली कौन करेगा। मामला मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाने क्षेत्र का है, जहां के दारोगा जी शराब के जाम छलकाते नजर आए। जब शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ तो बात पुलिस अधीक्षक तक पहुंची, उसके बाद अधीक्षक ने वायरल वीडियो को देखते ही कर्तव्यहीनता के आरोप में दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित दारोगा श्याम बिहारी सिंह हथौड़ी थाने में पदस्थापित है। सिवान में एक चोर की ऑन द स्पॉट पिटाई करने का मामला सामने आया है, लेकिन चोर को सजा देने का यह तरीका बेहद गलत था। दरअसल सिवान हेड पोस्ट ऑफिस के एक ग्राहक के बैग से 45,000 रुपए निकालते हुए चोर को रंगे हाथ लोगों ने पकड़ लिया और एक कमरे में बंद करके उसकी जमकर पिटाई की। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे लोगों ने बेरहमी से चोर की पिटाई की, जबकि इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करना था। अधिकारी करते हैं, कब से करते हैं? कौन अधिकारी है जी? अधिकारी का बाहर बनाया है, यही रहते हैं। नहीं मारने के लिए सिर्फ आते हैं, काम करके चले जाते हैं। पोस्ट ऑफिस से जैसा निकला पैसा लेकर
गाड़ी निकाला, गाड़ी उधर फंसा हुआ था, मैं निकाल रहा था गाड़ी जब तक साइड से आ गया काट लिया, पैसा निकाल लिया। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के कुढ़नी पीएचसी के पास अचानक भीषण आग लग गई। अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल कर्मियों को बुलाया गया और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। दरभंगा के अहियापुर गांव में आग लग गई, आग से तीन घर जलकर राख हो गए, वहीं मवेशी भी कई झुलस गए इस आग में। बताया जा रहा है कि हजारों की संपत्ति भी नष्ट हो गई है। आग बुझने के बाद की ये तस्वीरें हैं कि सब कुछ यहां जलकर राख हो गया इस अग्निकांड में। बिहार के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिला। मोतिहारी जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रमडीहा गांव में आग की चपेट में करीब 30 से 35 घर आ गए और जलकर खाक हो गए। वहीं आरा के भोजपुर के गढ़हनी बाजार में भी कई दुकानों में अचानक से आग लग गई, देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बेगूसराय में आग में करीब 12 से ज्यादा घर जल गए। वहीं वैशाली के हाजीपुर में कुरकुरे कंपनी के गोदाम में भीषण आग लगी, आग बेकाबू हो गई और कई घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस नुकसान में लाखों की संपत्ति भी नष्ट हो गई। बक्सर में पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद सूबे का पुलिस महकमा पूरी तरह से चुस्त नजर आ रहा है, जिसे लेकर बक्सर में अपराध रोकथाम को लेकर एसपी के नेतृत्व में थानेदारों के साथ क्राइम बैठक की गई। इसकी समीक्षा शाहबाद डीआईजी डॉक्टर कुमार एकले ने की। इससे पहले डीआईजी के बक्सर पहुंचने पर पुलिस कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी ने बताया कि बेहतर पुलिसिंग और अपराध नियंत्रण के लिहाज से थानेदारों के साथ की गई यह बैठक काफी अहम है। जो पुलिस मैनुअल और अन्य जो हमारे एक्ट्स वगैरह हैं उन्हीं में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, जो बेसिक पुलिसिंग के जो भी हमारे कोर्स है प्रिंसिपल से उन्हीं को फिर से रिमाइंड किया कराया गया है हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा। और हमारी जो क्राइम बैठक है सबसे पहले हमने वही शुरुआत की, अपने थानों को ब्रीफ कर रहे हैं। थाना प्रभारी, नए थाना प्रभारी की पोस्टिंग हुई है और जो भी पहले के थाना प्रभारी हैं उन सबको ये ब्रीफ किया जा रहा है कि नवीन जो हमारे नए पुलिस महानिदेशक महोदय है वो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। सहरसा के अजगैबा गांव के नजदीक सड़क पार कर रहे 80 साल के बुजुर्ग शख्स को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बुजुर्ग का नाम उपेंद्र यादव है, फिलहाल बुजुर्ग का इलाज चल रहा है। जी ग्रुप ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केबल नेटवर्क डेन की शिकायत की है। केबल नेटवर्क डेन ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है और इसलिए जी ग्रुप ने डीएएस लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।